नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचने वाले चिराग पासवान अब मंत्री बन चुके हैं। उन्हें मोदी कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान सोशल मीडिया की चर्चित हस्तियों में से एक है। अपने लुक और स्टाइल की वजह से वो अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन जाते हैं। वो देश के चर्चित बैचलर्स में से एक है। अक्सर उनकी शादी के बारे में उनसे सवाल किए जाते हैं। इस बारे में अब उनकी मां रीना शर्मा पासवान ने मीडिया में बयान दिया है। चट्टान की तरह अपने बेटे के साथ हमेशा साथ खड़ी रहने वाली रीना शर्मा ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि आप लोगों की तरह मैं भी चिराग की शादी का इंतजार कर रही हूँ। अभी तक तो वो बहुत सारे कामों में बिजी है। मैं जब भी उससे शादी के बारे में सवाल करती हूँ तो वो हंस देता है। फिलहाल यही कह सकती हूँ कि ईश्वर करे कि वो जल्द शादी करे। आपको बता दें कि जिस वक्त चिराग पासवान ने मंत्री पद की शपथ ली, उस वक्त रीना शर्मा दर्शक दीर्घा में बैठकर खुशी में तालियां बजाते हुए मीडिया के कैमरे में कैद हुई थी। इससे पहले वो अपने पति रामविलास पासवान के मंत्री बनने पर भी कई बार तालियां बजाई होंगी, लेकिन ये पहली बार था जब वो अपने बेटे को मंत्री बनते देख रही थी। खास बात यह है कि चिराग ने मंत्री बनने पर उनकी बड़ी मां राजकुमारी देवी भी बहुत खुश हुई और उन्होंने भी चिराग को आगे बढ़ने का और जल्द दूल्हा बनने का आशीर्वाद दिया है। मालूम हो कि मंत्री बनाए जाने के बाद चिराग ने पीएम मोदी का आभार जताया। मोदी के हनुमान के नाम से प्रिय चिराग ने कहा, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। गौरतलब है कि बुंदेलखंड बीबी से कंप्यूटर में बीटेक करने वाले चिराग पासवान वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मालूम हो कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन की सरकार में मंत्री बने हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को बहुमत मिला है। वो 292 सीटों पर सफलता हासिल करते दिखाई दिए। भाजपा ने इस बार 240 सीटें जीती हैं। पहली बार पीएम मोदी गठबंधन की सरकार को लीड कर रहे हैं। इसी वजह से इस बार की मोदी कैबिनेट पिछले दो कैबिनेट से अलग है। जिस प्रकार से चिराग पासवान की शादी को लेकर उनकी मां ने बयान दिया है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और इसी प्रकार की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।